यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को नई पहल करते हुए एडीजी दावा शेरपा के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारी सड़क पर उतरे और पैदल मार्च किया। पादरी बाजार पुलिस चौकी से शुरू हुआ पैदल रूट मार्च असुरन पुलिस चौकी तक पैदल चला। मार्च में एडीजी दावा शेरपा के अलावा आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपीसीटी विनय कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस के अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान पैदल मार्च करते हुए पुलिस के अधिकारियों ने आम जनता से बात भी की और उनके समस्याओं से अवगत भी हुए तथा उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह और एडीजी दावा शेरपा ने कहा, आधा रास्ता छोड़ के भाई और अंदर होइए। आज पादरी बाजार से लेकर यहाँ सुरन तक जाते हैं, हम समस्त हमारे एसएसपी साहब से लेकर के सभी अधिकारी जाते हैं आज इस फुट पेट्रोलिंग में शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ जाते हैं जो व्यापारी हैं उन लोगों से भी उनकी समस्या भी जो है पूछी गई है और कुछ जगह कूड़ा की समस्या और थोड़ा अतिक्रमण की समस्या इस तरह की बताई गई है, उसका भी निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा जाते हैं हम लोग जाते हैं जो लोग भी थे हेलमेट के बारे में जागरूकता हम लोगों ने जो है इस फुट पेट्रोलिंग दौरान जो है लोगों के बीच में जो लोग जो है हेलमेट लगाए हुए हैं उनको प्रोत्साहित किया गया और जो लोग नहीं लगाया गया है उनको जाते अपना जाते हैं ये कहा गया है कि मतलब भविष्य में इस रूप में जाते अपना सचेत रहते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए अपने परिवार के लिए जाते हैं और देश के लिए जाते अपना जो है हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें और इसके साथ साथ जाते हैं ये जो फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था जाते हैं विभिन्न बाजारों में जाते हैं हमारे अधिकारियों द्वारा हम लोग द्वारा समय समय से ऐसे की जाती रहेगी। ये लोगों के बीच एक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए और एक विश्वास की भावना पैदा करने के लिए है और ये फुट पेट्रोलिंग सभी स्तर पे होनी है, चौकी, थाना, जिला, रेंज। हम लोग भी आज इसलिए कि ताकि हमारे अधीनस्थों को भी ये प्रोत्साहन मिले कि हाँ इसको करना चाहिए, दूसरी बात जनता को भी एहसास हो कि यस हमारे जो अधिकारी लोग हैं हमारे सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके बाद बारे में कटिबद्ध है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए
समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बाकायदा रोक सकते हैं, ढंग से रोक सकते हैं। उसको रोकने के लिए पहले जानना ज़रूरी है, गली कस्बे मोहल्ले वहाँ क्या चलता है। अक्सर ये आपने सुना होगा कि एक लोग कहा जाता है कि अच्छा ये हमको अब सूचना मिली है, तो सूचनाएँ है सड़क में लेकिन निकलने पे पता चलेगा, तो इसी का प्रयास है। रागिरों से बात हुई है, जैसे महिला से बात हुई है, व्यापारियों से बात हुई है। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी लोगों ने एक पॉजिटिव जवाब दिया कि यस, गोरखपुर में पुलिस अच्छा काम कर रही है, हमारे फ़ोन कॉल पे या हमारे कहने पे पुलिस आती भी है और जो कानूनी रूप से संभव है वो कार्रवाई हो जा रहा है।